So, we are solving previous year questions of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants and the topic Pollination. In today's session, we are going to solve a long answer type question of 5 marks which was asked in Delhi examination in 2014. So the question is: Induced pump flowers may be monoecious, cleistogamous, or show self-incompatibility. Describe the characteristic features of each one of them, and state which one of these flowers promote inbreeding and outbreeding, respectively. तो बेटा इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एनजीओसपम फ्लाज होते हैं वो मोनीशियस भी हो सकते हैं क्लिसटोगेमस भी हो सकते हैं या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी शो कर सकते हैं तो हमें इन तीनों टाइप के फ्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है और बताना है कि कौन इनब्रीडिंग प्रमोट करता है और कौन आउटब्रीडिंग प्रमोट करता है क्लियर सो लेट्स चेक द आंसर तो बेटा मोनिशियस फ्लास वो फ्लास होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं एग्जाम्पल कुकरबिट्स और ये इन ब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं फ्लास विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एग्जाम्पल कुकुरबिट्स दे प्रमोट इन ब्रीडिंग देन ट्रीज टू गेमस फ्लास बेटा वो फ्लास होते हैं जो हमेशा क्लोज कंडीशन में रहते हैं कभी ओपन नहीं होते जिस वजह से स्टिग्मा और एंथर पास पास होते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं इसीलिए उनको हम ऑटोगेमस भी बोलते हैं और इनमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता इसीलिए ये इन ब्रीडिंग प्रमोट करते हैं क्लियर द फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर व्हेन एंथर्स डेहेज इन द फ्लावर बर्ड्स पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन दस क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलेन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा क्लीस्टोगैमस प्लांट्स प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स दे प्रमोट इन ब्रीडिंग देन सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी बेटा एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें स्टिग्मा अपनी ही स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है यानी पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं हो पाती और होती भी है तो उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है क्लियर दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय एनहेबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल दे प्रमोट आउट ब्रीडिंग क्लियर सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू